बेटा बड़ो है वो, पढ़वे लायक है वो, थोड़ो सो चार साल को देखना कथा की गहराई से कथा को सुनना। बच्चा एक दिन कछु बच्चा पढ़वे जा रहे, सो ध्रुव ने पूछे आप लोग कौन जा रहे हैं? बोलियो गला खा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सब लोग बच्चे बोले हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पढ़ाई क्या होती है? सबने अपनी अपनी पट्टी दिखाई, देख जी होती है छोटा आ बड़ा आ। इनसे क्या होता है? इनसे आदमी विद्वान बनता है। ध्रुव जी छोटे से थे, ध्रुव जी बोले तो हम भी विद्वान बनेंगे, अपनी मैया पे कहेंगे हम पढ़े जाएंगे। सजनों गरीबों की कोई दुनिया नहीं होती। उस जमाने में जो लोग पढ़ते थे ना 85-80 में 90 में, ऐसे संसाधन नहीं थे। मास्टर भी सज्जनों उस समय के आजकल जैसे नहीं थे कि केवल पैसा, उनमें त्याग होता था पढ़ाने के प्रति। थोड़ी से वेतन में पूरी साल पढ़ाते थे, नियम से पढ़ाते थे। पढ़ाई उनके लिए एक उत्सव होती थी, आजकल पढ़ाई एक बोझ बन गई है। एक घंटा को समय और क्लास लगा रहे, सामने लड़का बैठे और खटखट 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 करी, घड़ी देखी समय निकलो, ये पढ़ाई रह गई है। हृदय से हृदय का जुड़ाव नहीं है। मेरे गुरु जी सामने बैठे जिनसे मैंने सज्जनों गणित पढ़ाए और आज भी इनसे मेरा जुड़ाव है। भरे समाज में जो इज्जत पिता को देता हूँ वो इज्जत इनको देता हूँ। कारण गुरु सज्जनों, शिक्षा गुरु हो या सदगुरु हो, वो श्रेष्ठ होता है। जीवन में क्या सिखा जाए कुछ पता नहीं है। तो ध्रुव जी बोले हम भी शिक्षा लेंगे। मैया रो गई, मैया बोली हाय मेरा बच्चा, तू क्या शिक्षा लेगा? तो पर तो कुछ धरो ना है, पैसा है ना। ध्रुव जी बोले हम तो जाऊंगे। तो पढ़ने जाता है, चोरे पट्टी का है। तो ध्रुव जी आम के पत्ते ले आए, जाते लिखेंगे। और कलम तो हती ना है, सरकंडे की कलम बना ली। स्याही तो सजनों पोता मिट्टी की स्याही बना ली। और मेरा बच्चा सजनों चला विद्यालय में पढ़ रहा है। मैया क्या करती है? मैया फटे हुए छन्ना में रोटी बांधी, बगल में दवाई और दे दी, ले जा बेटा खनक थोड़ी खनक पड़ा। बेटा सजनों चल दिया विद्यालय में पढ़ता है। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन सजनों सात के लड़कों ने उत्तम को देखा, खाना ला रहा था उत्तम। याद रखना भाई बहन, बढ़ा रहा याद रखना भाई बहन। उत्तम से किसी ने कहा कि ये तू किसके लिए लाया है? बोले हम सब खाएंगे मिलके। बोले तू सबको तो खिलाता है, पर उत्तम तुझे एक बात मालूम है? बोले क्या? इस विद्यालय में तेरा अपना भैया भी पढ़ता है। मेरा भैया कौन? बोले ध्रुव। ये ध्रुव मेरा भैया है? बोले हाँ सच में। बोले सच में? पर ये भोजन के समय झाड़ी में क्या लेने जाता है? सजनों गरीब लोग आप कभी देखना, मैंने देखा है जो मजदूर काम करते ना, जिनके घर पे सजनों ज्यादा व्यवस्था नहीं होती, अपनो टिपन लेके आते हैं संग में, कभी भी देखना सजनों, और अपना टिपन लेके आएंगे और टिपन सजनों खाली करके जब भोजन करते ना तो एकांत में जाकर भोजन करते हैं, कोई देख न ले। श्रोताओ ध्रुव जी एकांत में भोजन करते हैं, और आज उत्तम सजनों पीछे लग गया, मैं देखूंगा ये जाता कहां है, और पीछे ही पीछे चल दिया। बोलियो एक झाड़ी में बैठ करके उत्तम वहां से क्यों बढ़ाता है? यहां नहीं, जब यहां से नहीं जाएगा तो यहां से बढ़ जाएगा? बोलिए यहां से बढ़ाना सीखो हमें। याद रखना मेरे श्रोता बंधु, उत्तम एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, ध्रुव सामने रोटी खा रहा है। अच्छा मैं सच कहता हूँ, गरीब आदमी छुप करके भोजन करता है, सूखे टिक्कर पानी में भिगोए ले, और जब गले गए तो बेटा कतर कतर के खाए लगो। पीछे खड़े उत्तम, उत्तम की आंखों से आंसू बह चले। उत्तम बोले हे भगवान, हम हलुआ पूरी खाते, मेरा भैया सूखे टिक्कर। उत्तम ने हाथ रख दिया ध्रुव पर, तो ध्रुव चौंक पड़े, कौन है तू? उत्तम ने कहा किस मिट्टी का बना है तू, ये भोजन करता है?
हम सब लोग हलुआ पूरी खाएं, मेरे भैया सूखी रोट खाए, आज से तू हलुआ पूरी खाएगा। तो ध्रुव ने कहा रूखा रूखा सूखा खाए के प्यारे ठंडा पानी पियो देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। मेरे नसीब में जो है वो मैं जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा और मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता। ध्रुव जी के पैर पकड़ ले उत्तम ने, भैया तो अब तो मेरे संग चल लो है। सब लोग कह रहे तू मेरा भैया है तो चलो चलो पिताजी से मिलेंगे। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई बहन, सच कहता हूँ। ध्रुव को जब मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी यहाँ के राजा है तो उसे तनिक भी खुशी नहीं हुई। उसे मालूम है मैं तो गरीब का गरीब ही रहूंगा, मेरे नसीब में तो झोपड़ी है। आप लोग ईमानदारी से सोचना, एक गरीब को मालूम पड़ जाए कि मैं यहाँ के राजा का बेटा हूँ तो उछल पड़ेगा, पर बारे ध्रुव कोई खुशी नहीं। राजा हुए तो क्या हुआ, मैं तो गरीब नहीं मैया का बेटा हूँ, मेरे लिए का मतलब के। उत्तम ने कहा नहीं 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 चलो ना। ध्रुव ने कहा नहीं, तेरा मेरा कोई मेल नहीं है। अरे तेरा मेरा का मेल, तू अमीर में गरीब। उत्तम ने पैर पकड़ लिए तो मेरी सर की कसम भैया मेरे संग चलियो। तो ध्रुव बोले ज्यादा कहता है तो चलूंगा, पर कब, जब मैं अपनी मैया के पूछ आऊंगा तब। ऐसा बेटा होना चाहिए। और आज ध्रुव दोनों हाथ जोड़ के खड़े है गए अपनी झोपड़ी के पास और हाथ जोड़कर सजनों ऐसे करके झोली फैलाई दी हाथ जोड़ के। मैया अंदर से निकली, मैया अरे ओ मैया तुम कहाँ हो। सुनीति बोली कौन है रे मैया, हम तेरे बेटा। अरे ध्रुव हाय मैं मर जाऊं, और ये झोली का भी फैला ली तेने। मैया हम ना आज तुमसे कछु मांगेंगे। सुनीति बोली आज ये मांगने के लिए क्यों कह रहा है, ऐसी क्या चीज मांगेगा ये बेटा, क्या चाहिए। मैया हम जो मांगेंगे सो तुम दे दोगी। सुनीति ने कहा मेरे प्राण भी निकाल ले, मेरे लाल तू मेरे प्राण भी निकाल ले, दे दोगी। पर एक बात कहूं, मुंह पे दौलत ना है। तू सोच रहा हूं कि मैं तुझे दौलत, मुंह पे दौलत ना है बेटा, मेरे प्राण भी ले ले। ध्रुव बोले मैं तेरी दौलत बना लूंगा मैया, पर ऐसी चीज मांग रहा हूँ जो तू मुझे मुझसे मना मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा। मैया बोली बेटा प्राण भी ले ले, बोल बोल क्या चाहिए। तो उस ध्रुव ने रो कर कहा माँ तूने रोटी सूखी दही तो सूखी खाई, तूने फटे कपड़े पहनाए तो पहन लिए कपड़े उड़ाए, लंगोटी पहनी मैंने अब तक, तेरी साड़ी में तो फटी गई, मैंने तो तकिया ना मांगो कंकर की भूमि पे अपने बगल को तकिया लगा लो, महल दुमेला ना मांगे टूटी सी झोंपड़ी में आराम से सो गया, पर आज माता हम तुमसे कुछ मांगेंगे। सुनीति बोली मेरे प्राण भी ले ले, बोल क्या चाहिए। मैया ने कहा बेटा तेरे पिताजी दो टिक्कर भेजते हैं, सुबह और शाम उन्हीं से गुजारा चलता है, और टिक्कर कोई महात्मा खा जाए ना, उस दिन में जंगल में जाती हूँ और सिला बीन के कूट पीस के भोजन बनाती हूँ, दौलत ना लो पे और तू कुछ भी मांग। तो ध्रुव ने कहा मां तूने जैसे रखा मैं वैसे रहा, पर आज मैं कुछ मांगता हूँ। मैया मैंने राजा लोग नहीं देखे, मैं राजा देखने जाना चाहता हूँ। मैया मैंने राजन के महल नहीं देखे, बड़े ऊंचे होते होंगे, हमारी तुम्हारी झोपड़ी की तरह टूटे नहीं। सुनीति सजनों हिलकी भर के रो रही है, मैया मैंने राजन की गद्दी नहीं देखी, गुदगुदी होती होंगी उनके गद्दा डल लपके गुदगुदे होते होंगे, हमारी तुम्हारी तरह कंकर के नहीं होते होंगे। और मैया मैंने सुना है रानी बहुत सुंदर होती है, बड़े अच्छे कपड़े पहनती है, हमारी तुम्हारी तरह फटे नहीं। सुनीति झोंपड़ी के कोने में बैठ के रोई कि जो महारानी का बेटा है वो कहता है मैंने रानी नहीं देखी, रानी देखने जाऊंगा। आहारे समय बहन भाइयों कहते हैं ना, किसी संत ने बहुत अच्छा लिखा है, तूने बड़े दुखों से पाला
तू मेरी मैया में तेरा लाला, तूने बड़े दुखों से पाला, तू मेरी मैया में तेरा लाला, हर मुसीबत महस के सही रे, हर मुसीबत महस के सही हो रे, तू कह दे तो जाऊं, तू ना कर ना जाऊं, मेरी मैया जरा कुछ बता, क्या हो तू कहने की तो जाऊंगा। देखिए बेटा बोला मां एक बार कह देगी तो जाऊंगा, और ध्रुव क्या बोला, हर पल तेरे हो तेरे साथ रहेंगे, हर मुसीबत मास के सहेंगे, हर पल तेरे हो तेरे साथ रहेंगे, हर मुसीबत सहेंगे, जग से मुझे क्या है लेना, तू ही मेरी तो मैया, और माँ तू कह दे तो जाऊं, तू ना कर ना जाऊं, मेरी मैया तू मुझे को बता, तूने बड़े दुखों से पाला, तू मेरी मैया में तेरा लाला, तू बड़े दुखों से पाला, तू मेरी मैया, हर मुसीबत में हंस के सही रे, हर मुसीबत में हंस के सही रे, तू कह दे तो जाऊं, तू ना कर ना जाऊं, मेरी मैया तू कुछ तो बता, बेटा बोला मां मैं जाऊं, तो सुनीति ने आंख में आंसू भर के कहा, बेटा तूने पहली बार कुछ मांगा है, वैसे उन महलों से तेरा कोई नाता नहीं है रे, तेरी मैया जैसी भी है तुझे प्राण देकर भी पालेगी, पर तेरी इच्छा है तो तू जा, पर याद रखिए वहां के जो राजा है ना उनको दूर से प्रणाम मत करना, क्यों, उनके चरणों में सर रख देना, अपना माथा उनके चरणों से लगा देना, क्योंकि वो तेरे पूज्य पिता है, और माँ एक मौसी होगी, मौसी भी तो मैया होती है, उसको भी दूर से प्रणाम मत करना, उस मौसी के भी चरणों में अपना सर लगा देना, और बेटा तो मेरी कसम तेरी मैया मर जाएगी अगर तेरा अपमान है गो, बेटा भूल क्यों सब काम करियो, हाथ पे छू के देख लियो सब गद्दियों को, पर बेटा राजा की गद्दी पर राजा कितना भी बोले पर उस गद्दी पर मत बैठना, क्योंकि तेरी मौसी को बहुत बुरा लगेगा, है ना मेरे बेटा, तो बेटा कहता है मेरे मन में हो मेरे मेरे मन में इच्छा जागी, मैं नजर भर के देखूं नगर, मेरे मन में हो मन में इच्छा जागी, मैं नजर भर के देखूं नहीं, ओके मैया सुन प्यारे, भैया मौसी और पिताजी मिलकर के वापस आओ, नजर भर देख नगर को देखने जाऊं, मिलकर के वापस आऊं, मां तू चिंता मत कर ऐसे नहीं जाऊंगा, कब जाएगा, तू कह दे तो जाऊं, तू ना कर ना जाऊं, मेरी मैया बोलो जरा, तूने बड़े दुखों से पाला, मेरी मैया में तेरा लाला, तूने बड़े दुखों से पाला, मैया तू मेरा लाला, हर मुसीबत में हंस के सही, हर मुसीबत में हंस के सही, तू कह दे तो जा, मैया बोली जा, किसी ने कहा है सजनों बहुत सुंदर
कहे कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संग। बेटा चला, बेटा चला, और जैसे ही सजनों हंसों जैसी जोड़ी हाथ में हाथ डाल के चली, राजा ने मंच से देखा, मंच से कूद पड़ा। हे मंत्री, हे प्रधानमंत्री, हे सेनापति, हे मुख्यमंत्री, अरे पंडित जी, अरे यजमान, अरे देखो, अरे यजमान जितने सजनों बैठे थे ना वहां, अरे देखो भैया देखो, अरे सलाहकारों, मेरा हंस आ गया, मेरे हंसों जैसी जोड़ी आ गई, मेरे मंच को सूर्य आएगा, मेरा बड़ा बेटा आएगा। राजा भूल गया, ध्रुव को गोद में लिया और उठा करके मंच पे। ध्रुव जी बोले, नहीं पिताजी नहीं, पिताजी नहीं, मौसी मारेगी। भूल गया राजा। किसी ने कहा है, केसरी की क्यारी करी कस्तूरी डाली खाद, पानी दयो गुलाब को तो प्याज की प्याज। भैया रानी सुधरी ना है, कुत्ते की पूंछ को जमीन में गाड़ देना, कुत्ते की पूंछ को जमीन में गाड़ देना, ईंट से खोद देना, ढंगते और खूब खोद खाद के ठोक ठाक के भाई बहन उस कुत्ते की पूंछ को अच्छे से रखना, और दो महीने बाद खोदियो वो टेढ़ी निकली सड़े वाले जाए। हाँ वो ना सीधी। एक 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 राजा को जिन्न मिलो, जिन्न राजा ने बहन भाइयों जैसे तिलिस्म घिसो तो सामने जिंद प्रट है। क्या हुकुम मेरे आका? बोले जो कहूंगा सो करेगा। बोले सो ही करूंगा। सच में? बोले सच में। राजा ने कहा जल्दी से जा, बोले कहां जाऊं? बोले अमेरिका। अमेरिका से एक वृक्ष लेके आ, और जिन्न को सजनों का तेल लगते। राजा ने हुक्म दो कि वो गो अमेरिका, जिन्न आ गो लेके पेड़। अब जिन्न बोलो, देख राजा मैं ठलुआ तो बैठूंगा ना, तेने तिलस्म के सोए, और मैं ठलुआ नहीं बैठूंगा, तू अगर कोई काम नहीं बताएगा तो राजा ने तो ही खा जाऊंगा। अब राजा बोले बुरे फंसे, अब क्या करें, काम काम बता, चलो जा अफ्रीका, अफ्रीका को वहां से भंगुर ले आओ। अफ्रीका में मिलते हैं ये जो पंजा जो कीकड़ा है, जो भारत के ना इंत का कहते हैं, बिलायती का कहते हैं, जो बिलायती भंगुर है ना, जो अपने इंडिया के नहीं है। इंदिरा गांधी ने ये बीज अफ्रीका से मंगाया था ऊसर भूमि को उपजाऊ करने के लिए। अपने यहाँ के तो देसी भंगुर हैं जी, जो अपने यहाँ देसी खड़े हैं। ये बिलायती तो दक्षिणी पड़ी के जंगलों के भंगुर हैं, कांटे वाले। तो सजनों गया कबूल ले आया, अब तो काम बतावे एक मिनट में पूरो। राजा बड़ा परेशान। राजा ने एक पंडित जी तक पूछी, पंडित जी कहा करें? पंडित जी ने सजनों भाग काटो। पंडित जी बोले ठीक। एक कुत्ता को छोटो पिल्ला ले आए पंडित जी, भूरो पिल्ला ले वा जिन्न को दे दे, जो कहिए ताकि पूंछ सीधी कर दे। अब पूंछ सीधी करे फिर टेढ़ी है जाए, फिर सीधी करे फिर टेढ़ी है जाए। कुत्ता बूढ़ो है वो पर पूंछ सीधी, एक बूढ़ो वो दूसरो लायक तो जिन्न बेचारो जिंदगी बुराई में लगो रहो। तो कहने का मतलब ये कुत्ते की पूंछ कभी सीधी, जिस आदमी के विचार गलत है, जिसकी सजनों बुद्धि विकृत है, वो कभी सजनों अच्छाई तो समझ ही नहीं सकता। सुरची ने आकर के धक्का मारा, बालो असबत नात मानम स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथा। तूने पराई स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए गद्दी तेरी नहीं है, इस पर बैठना चाहता है तो मेरी कोख से जन्म ले। ध्रुव को मातो फूट गो। एक बात और कह दी, मेरी कोख तो तभी जन्म मिले जब तू भगवान को भजन करे। लग गई बच्चा को, पिताजी की तरफ देखा, उत्तान पाद भी नीचे गर्दन कर गए। बुढ़ापे की शादी आदमी को सजनो सर उठाने नहीं देती। ध्रुव रोता रोता मैया के पास में आया, और मैं सच कह रहा हूं, इन मैयन को अपने बेटा की दूर से आवाज पहचान लेती है। एक रानी थी, रानी ने गौर तो सुनना, एक दासी थी, कही के लहरी दासी जी रबड़ी है राजकुमार खेलो होगो मई दे। दासी बोली मैं का पहचानती हूँ राजकुमार। तो रानी बोली सबते सुंदर हो बाई दे। वो दासी दासी गई लेके और दे आई। अब शाम को राजकुमार आया,
माताजी माताजी तुमने रबड़ी नहीं भेजी। बोली भेजी तो थी। कहाँ भेजी? रानी बोली क्यों री दासी तू देके नहीं आई? बोले देके तो आई। किने? बोले अपने को। चोर तू अपने कायदे आई? मैंने तो कही थी मेरे राजकुमार को दियो। दासी बोली तुमने जे कही थी सबसे सुंदर हो बाई दियो। तुम्हारी कसम रानी बा भीड़ में मोए अपने बा कारे ते ज्यादा कोई सुंदर दिखो ही नहीं। इन माओ को अपने बच्चे सबसे सुंदर लगते हैं। एक मैया कीर्तन करवे गई रात में, गांव में चल रही कथा, सो कीर्तन में आएगा यो बच्चा वाको बड़ो सुवेल, सो जग्गो सो रोए वे लगो मम्मी मम्मी, और मम्मी मम्मी कह के खटिया पे तोड़ के पांडाल की तरफ। एक पतली गली थी, सो बाई में गिरेगो इतनो सुवेल को मई सोएगो। भाई जई पतो ना हम कहां सोएगा, गली में ही पड़ो पट्ठा। अब रब आई मैया की कीर्तन करके, सो ठोकर लगी छोरा में, सो कहते हाय जे हाथी सो किनको पड़ो। जब वो जगह बोले मम्मी में हाय मेरा फूल संजा कहा कर रहे थे। ये बहन भाइयों ये माताओं की भावना, अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है। तो सुनी थी मैया बोली हाय मैं मर जाऊं, हाय मेरा बेटा तो कौन ने मारो? जैसे ही खून निकलता देखो, हाय मेरे बच्चा किसने मारा? तो ध्रुव जी बोले मौसी ने धक्का दियो और ना तरस पिता ने री कियो। जब मौसी ने धक्का दिया तो मेरे पिताजी कुछ बोले नहीं। बेटा वास नीचे स्लाइड। जब मेरी मौसी ने धक्का मारो तो मेरे पिताजी ने तरस नहीं किया और मोए दियो जमी पर डार री मैया। मोए मौसी ने मारो रोए रोए कहत धुरब महाराज री मैया। और मामी एक निवेदन करूं, छोड़ो ये बातें। मौसी ने मुझसे कहा कि भगवान का भजन करके तब मेरी कोख मिलेगी, ऐसा काय बाकी कोख में मैं तेरी कोख को पवित्र कर दूंगा। मां इतना बता दे मेरे पिताजी कौन है? सुनीति बोली सच कह दूं? थोड़ा गैन है, थोड़ा सा गैन है। सच कह दूं? बोले कह दे। सच बता दूं? हां मां सच बता दे। बोले जो सारी दुनिया का पिता है वो तेरा पिता है। मैया को मिलेगा कहा? बोले ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान न मिले। अच्छा भैया का ढंग पुरवा रहे हो, ये सही बात है। भगवान के बिना कोई जगह खाली है ही नहीं। भगवान जिस जगह ना हो वो जगह है ही नहीं। भगवान के बिना कोई जगह नहीं और भगवान के बिना किसी जगह का अस्तित्व ही नहीं। और गौर से सुनना, जहां से भगवान चला जाए उसका अस्तित्व खत्म। जैसे एटा आप गए होंगे। अच्छा आप जो मैं दृष्टांत दे रहा हूं बापो निष्कर्ष सुनियो। दृष्टांत तो दृष्टांत है पर बापो मतलब का ऐसे सुनियो। एटा में एक दुकान है आंसू स्वीट, सबने ने देखी होगी। घंटा घर पे, घंटा घर ने एक आगे हाथी गेट पे सुखाबाद रोड पे जाते हैं तो आंसू स्वीट करके दुकान है। एक रिक्शा में चीनी की बोरी धर के जा रही और रिक्शा वार और दचई दच लेके जा रहा और वह दुकान में धरे थे अंदर रसगुल्ला। ट्रे में अंदर थे रसगुल्ला। बोले और चीनी बहन जी कैसी हो? चीनी बोली मते तरावे होश में रहे। तो रसगुल्ला बोलो होश में कहा रहे? हमारी जिंदगी देखो ट्रे में रखे हैं, एसी चल रही है, गर्मी देख नहीं पाता और हर समय पंखा चलता रहता है, मक्खी बैठती नहीं है, रस टपकता है और जो देख ले वाके मुंह में पानी आ जाता है। नाम बड़ो प्यारो और रसगुल्ला और बड़े लंबे भाव के बिकते और तू कौन रिक्शा में कौन ट्रेन में पड़ी रही होगी, अब ट्रकन में पड़ के आई होगी, फिर रिक्शा में घर के जा रही है, फिर घोटम घोटा होएगा तब ठिकाने ते लगेगी। तो चीनी बोली रसगुल्ला इसमें तेरी गलती नहीं है रे, इसमें मेरी गलती है। तुझे इतरा रो है तेरे अंदर मेरा रस नहीं होता तो तू रसगुल्ला नहीं खाली गुल्ला होता। कोई एक रुपया में नहीं पूछता हो समय रहे। तेरी वैल्यू तो इसलिए हो रही है कि तेरे अंदर मेरा रस है इसलिए तू रसगुल्ला है रे। तो सुना जब तक बाप और रस जामे भरोए तभी तक हम मनुष्य हैं। और ज्यादा ना रस में करेगा बाद ना मुर्दा है जाएंगे, कोई दो पैसा में नहीं पूछेगा। छू ले तो सजनो तीन बार नावे भरे जाएंगे कि मुर्दा छू के आए है। जहां से भगवान का अंश निकल जाए वो जगह का अपना कोई अस्तित्व नहीं।
तो सुनीति ने कह दी बेटा हर जगह मिलेगा, माता हो तो ऐसी हो, और कह रही है अरे बेटा और तू रे जा और संग में दुआ हमारी है। देखिए मैया, मैया भेज रही है ताली बजा के भेजो। एक बात कहूं, इसे कहते हैं मां, बेटे की नौकरी ना लगे। गौर से सुनना, बेटे की अगर नौकरी ना लगे तो सबसे ज्यादा दुख किने होते है मैया का। बेटे की नौकरी ना लगे तो सबसे ज्यादा दुख मैया का, और नौकरी लग जाए तो सबसे ज्यादा खुशी मैया का। और जब बेटा सजनों नौकरी पे जाए तो सबसे ज्यादा आंसू मैया के। मैया भेज रही है ध्रुव को, बेटा अरे तू रे जा और संग में दुआ हमारी है। बेटा तू ले जा संग में दुआ हमारी है। आज तुझसे कहे महातारी है, आज तुझसे कहे महातारी है। बेटा तू रे जा संग में दुआ हमारी बेटा। चल दिया और चलते चलते आगे पहुंचा, आगे जाकर नारद ने सजनों बच्चे को देखा, सवेरे ही निकल गया। अब मैया रो गई, मैया रोते रोते कह रही है हाय मेरा बेटा, इसे मां कहते पहले भेज दिया अब रो रही है। ध्रुव जो चले, पिताजी ने कहा ए ध्रुव आधा राज दे दूंगा नहीं लौटे, पूरा दे दूंगा नहीं लौटे, मुझको दौलत न वैभव न यश चाहिए, मुझको दौलत न चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। हो 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 क्योंकि किस काम की दुनियादारी है बेटा और तू रे जा और संग में दुआ हमारी। जा रे तू ले जा संग में एक मैया कंडा बनाए रही, कंडा पाक रही। ए ए सखी देखिए किनको बच्चा खेलो जा रहा है। ध्रुव जी चले जा रहे हैं, कुत्ता हो करके आ रहे हैं रो जाता है, शेर चीते धाड़ रहे रो जाते हैं, तो कुछ सखियां कंडा बना रही। सो बोली बहन देख ले बहन उम्र को है बाल, देख ले बहन अरे सखी अरे या तो या की मैया मर गई या काऊ फटका रो बहन, या तो या की मैया मर गई या काऊ फटका रो मैया, या तो या की बात बिगड़ गई दीपक तो है जी विपत्ति तो है मारो, देख ले विपत्ति तो है मारो, देख ले रहना बोलिए नंद के राजा। बेटा चले, अब सुनो थोड़ी देर की कथा बची है पर बहुत अच्छी। आगे से नारद मिल गए। एक बात पूछूं मैं, यहाँ कितने भक्त ऐसे जिन्होंने गुरु बना रखे हैं? गुरु कितने लोगों ने कहे हाथ खड़ा करके बताओ। बहुत बहुत सुंदर, जिनके गुरु हैं वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और जिनके नहीं है वे भी धन्यवाद के बनाए लो। पर क्या करें, कोई गुरु बनाने के लिए बोलो तो कहते हैं गुरु किने बनाओ, मैं जाए बनाओ, मैं सोई जेल में चला जाता है।
तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सा गुरु बताऊंगा, कोई न मिले तो हनुमान जी को गुरु बना लो बस आंख बंद करके, उनमें कोई दोष नहीं है। अब नारद जी बोले जाए गुरु ना मिलो तो जाको उद्धार ना होगो, क्योंकि गुरु भी न भवन दि तरे न कोई ज्ञान कम करो, चाहे बिरंच शंकर सम होई। बहुत बढ़िया। तो भाई बहन कितना सुंदर भाव है। नारद जी आ गया, ए लड़के किधर जाता है? ध्रुव जी बोले बाबा है स्वपना सर रख करके प्रणाम करो मैया धाम के, चरणों में सर रख दिया। नारद जी बोले किधर जाता है? बोले भगवान को प्रकट करने जाते हैं, सुनीति के पुत्र हैं, उत्तानपाद के बेटा हैं। ए बच्चों प्रसाद दूंगा प्रसाद, अभी मैं फल दूंगा तुम्हें, फल क्या दूंगा? फल फ्रूट, फल तो कम समझते होंगे जो लोग, क्योंकि इन बचपन से ही सिखाई जाती है एप्पल बनाना, अपना असली नाम कोई नहीं सिखाता। हाँ सही बता रहा हूं, मैंने ऐसी ऐसी बहनों को देखा है जो मेरे संग ही पढ़ी स्कूल में, और वे सजनो अमरूद को सपड़ी भोगती सपड़ी। हाँ जिनते ना कह रहा हूं मैं बता रहा हूँ, बहुत सी देखी मैंने, इतने भी कुछ बहने अमरूद ते सपड़ी, उनके घर में गो तो बच्चा ते कह रही बेटा देखो ना कौन आए हैं, मामा जी आए हैं, इन मामा जी को फ्रूट खिलाओ, मामा जी को एप्पल खिलाओ, इनको बनाना खिलाओ। मैंने कहा सीधे सीधे कह दे के केला खिलाओ, जहां मैं कछु जा रहा था। तो भाई बहन ये हम लोग अंग्रेज बन गए, अपनी संस्कृति खत्म, पर ये करे क्या, मुसीबत है इनकी, क्योंकि हर जगह सजनो इसी का बोलबाला हो गया है। अगर जे मां अमरू सपड़ी कहेंगे तो लोग हंसेंगे इनके, है ना। तो भाव है बहुत सुंदर, आनंद बहुत सुंदर, भाव बहुत सुंदर। सजनो व्याख्या देखिए, नारद जी बोले क्यों रे कहां जा रहा है? बोले भगवान को प्रकट करने। बोले नहीं मिलेंगे भगवान, कोई हलवाई की दुकान की जलेबी हो समय रहे, चल लौट जा घर को, कोई शेर चीता मिल जाएगा तो खा जाएगा। तो ध्रुव बोले मेरी मैया कहती है शेर में भी भगवान और मुंह में भी भगवान, तो जब सब में भगवान नहीं है तो शेर क्यों खाएगा? नहीं खाएगा। अच्छा दूसरी बात, नारद जी बोले कितने बार भोजन करता है? बोले चार बार। तो नारद जी बोले जंगल में को खवावेगा तोय? तो ध्रुव जी बोले मेरी मैया कहती है जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देगा। वो भूखा नहीं सुलाएगा, भूखा जगाएगा जरूर। नारद जी बोले इस लड़के की तो बड़ी अच्छी सोच है, तो वैसे ही झूठे में नारद जी फटका रहे लगा रहे बच्चे में, लड़के चल तुझे भगवान नहीं मिल सकते तू जाए आते। तो ध्रुव जी बोले बहुत देर रह गई, तुम्हें कमर पे हाथ धर के बोले दाढ़ी वाले तो तुम भी नारद जी नहीं हो सकते। क्यों रे मैं नारद क्यों नहीं है सकूं? बोले मेरी मैया कहती है जिसको एक बार नारद मिल जाते उसे भगवान मिलते, तुम असली हो गए तो मिलेंगे और नकली भय तो नहीं मिलेंगे। और तेरी दाढ़ी की कसम कोई भगवान ना मिले तो पूरे गांव में कर दूंगा ये नकली बाबा है। नारद बोले मर गए, अब तो मंत्र देना पड़ेगा। और मंत्र दिया आप सब गाना, अरे ओम नमो आहा और जासे तुम्हारो अरे तरन है जाए, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। अरे जासे तुम्हारो तरन है जाए, ओम नमो है वो तरन। एक ताली ना बजा रहा और यहाँ चल रहा हो तभी तो अब हाँ देखो आप बजी ताली। हमारी बहनों की तो बात है, पीछे वाले बुजुर्गो भाइयों हाँ खड़े ही खड़े थे पूरी चोट आनंद से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताली बजा के पीछे से ऐसे
भजनों में तो ताली बजनी चाहिए। तूने सबकी बनाई मेरी बिगड़ी बना दे, मैं सबकी बनाई मेरी बिगड़ी बना दे, ओ दुनिया ओ बाबा मुझे तेरे पिता से मिला दे, तेरे बाबा मुझे मेरे पिता से मिला दे। और पिता की गोदी में बैठ करके रो, पिता की मधुबन में पहुंचा बेटा, आहा मधुबन में पहुंचा, दोनों हाथ को उठाया, हरि नाम लेके उसने गोविंद को बुलाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी तपस्या, और सुनो एक मिनट, तपस्या कैसी करी सुनो, इसका बेस मेरे समझ आता है। तपस्या कैसी करी मालूम है, त्रिरात्रांते कपित्थ बदरा सदा। बुजुर्गो भाइयों, पहले महीने तक कुछ नहीं खाया, कितने दिन, 3 दिन, और तीसरे दिन कैथ के फल खाए। दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाया, 6ठे दिन कैथ के पत्ते खाए। तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाया, 9वें दिन जमुना का पानी पिया, और 4थे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं खाया, 12वें दिन केवल सांस ली, और 5वें महीने में पंचमे मासुन प्राप्ते, पंचमे मासुन प्राप्ते। बहन भाइयों, 5वें महीने में क्या किया, 5वें महीने में बेटे ने सांस बंद कर दी, और जैसे ही सांस बंद भई, एक मिनट गौर से सुनो, ताली बाद में बेटा, अब बजेंगी ताली भजन पे, दोनों हाथ ऊपर कर ले, सांस रुक गई और बोला आना पड़ेगा। ध्रुव की सांस रुकी, सारी दुनिया की सांस रुक गई, और पवन देवता की हड़ताल, बेटा घबराया तो सारी दुनिया घबराई, इंद्र का इंद्रासन हिला, ब्रह्मा का ब्रह्मासन, विष्णु का विष्णुआसन, बहन भाइयों प्रेमासन भी हिल गया, और जैसे ही हिला सजनो सारी दुनिया हिल गई, और जैसे ही सजनो सारी दुनिया हिली है, सारी दुनिया सजनो डर गई, नारद पहुंचे विष्णु ते जल्दी जाओ मर जाएगा। अब चले ये भक्त हमारे बहुत बढ़िया, हमारा सम्मान करते हैं, भगवान बहुत बहुत आनंद दे, राधे रानी कृपा दृष्टि बरसाए। सजनों जैसे ही दुनिया हिली तो बेटा बोला आना पड़ेगा, और गढ़नपुर के भक्तों आप भी ताली बजाकर बुलाओगे तो वो जरूर आएगा, और ताली नहीं बजी तो गारंटी ना है। और मन से तू श्याम नाम की आनंद से, मन से तू श्याम नाम की मेरे बाद, अरे मन से तू श्याम नाम की मेरे बाद गाना है, मन से तू श्याम नाम की, और जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे, देखो भैया ऐसे नहीं आएगा, वो कब आएगा मालूम है, जब द्रौपदी की तरह और मीरा की तरह दोनों हाथ खड़े आ जाएंगे सबके, तो जितने भक्त हैं अगर वास्तव में बुलाना चाहते दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 जा।
किस्मत के ताले खोलना गाना के हाथ है। और जिनने ताली नहीं बजाई उनके सुन ले उनके हाथों में लग जाए ताला। और तारो सगन्ना रहा हुआ उन्हें नहीं पट्टते खुल जाए कहां को मालूम है नेपर वाले को अलीगढ़ वाला ग्राम 100 ग्राम को ना है सवा मन वाला झुका ना झुकी ताली ना बजाए झुका ना झुकी ताली ना बजाए झुका ना झुकी ताली ना बजाए। अरे भक्ति की ये बात है मेरा गाना तेरे साथ है और सत्संग में आ जा रे तू प्यारे डरने की क्या बात है होंगे तारे न्यारे 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 भक्ति करोगे तो शाम मिलेगा भक्ति करोगे तो शाम मिलेगा। सभी प्रभु जी यो खड़े कर के टेर मेरी जो नहीं आओगे सुन कर के टेर मेरी जो तुम ना आओगे। अरे ओ प्रभु जी मुझको नहीं पाओ ओ प्रभु जी मुझको नहीं पाओ। लेके आया सो दर्शन सवरिया देखो भक्ति की आई खबरिया देखो भक्ति का छाया खुमार रे रंग बरसे रे लाला के द्वार रे गरुड़ छोड़ चल रे गरुड़ को छोड़ के चले आजा जपले जपल हरि नाम तू जप गाना काला का है दलवा जैसे ही भगवान प्रकट हुए लगभग 1 घंटे तक तो आंखें ही नहीं खोली जब अंदर से छवि निकाली अब भड़बड़ा के जगा सामने भगवान गोदी में गिर गया। भगवान ने हृदय से लगा लिया हाय मेरा बच्चा इतनी बड़ी तपस्या। भगवान की आंखों से आंसू निकल पड़े ध्रुव को देखकर 5 वर्ष की उम्र और इतनी बड़ी तपस्या तेरी मैया को धन्य है बेटा तेरी माँ को धन्य है गोदम बिठा लो बेटा। और ध्रुव कुछ बोल ना पा रहे
एकदम भगवान सामने तो भूल गए सब, बोली ना पारे तो शंख लगाए दो, जो जाने ताय दे जनाई और जाने तुम्हें तुम्हें हुई जाई। भगवान ने कहा कुछ मांग ले, ध्रुव ने कहा कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान ने ऐरावत हाथी पर बिठाया और कहा ध्रुव चिंता मत करे, तुझे मैं ध्रुव लोक देता हूं। ये हमारा भैया, ये हाँ मुझे मालूम है, ये भाई जो टेंट के साथ है ना, हाँ मुझे मालूम है, जानता हूँ। तो ये चेला सज्जनों, ये ठेकेदारी करता है इन टेंटों के लगाने की, तो ये करखे से आया है, सुखाबाद से, फरोजाबाद सुखाबाद, इसके क्षेत्र में जब मेरी कथा होती है यूट्यूब पर आप कभी देखना सज्जनों, वहां लोगों में भाव अलग है, 70-70, 80-80 कुंतल के भंडारे सज्जनों, जमुना किनारे ऐसे चुटकन में होते हैं, खेत जुते हैं भाई में बैठे खा रहा साहब चकाचक, बालपुर की बड़ी शौक है। तो भाई बहन मैं झूठ नहीं बोल रहा, कभी उधर जाके देखना ये बच्चा है, वहां मैंने अपनी कथा में 125 कुंटल के भंडारे स्वामी शिवानंद जी सहसपुर वाले, उनके 125 कुंटल का भंडारा उनकी सज्जनों पुण्य तिथि पुष्पे का नाम है बरसी पे हुआ था। तो क्षेत्र में उस क्षेत्र का ये बच्चा है, बहुत बहुत आनंद, भागवत का उधर बहुत शौक है, भीड़ अपार आती है, जाने कहते हैं 10-10 हजार की भीड़ दूसरे दिन से पंडाल में। तो भैया बड़े आनंद से सुने, ध्रुव लोग दे दिया, ध्रुव को ऐरावत हाथी दे दिया, ध्रुव अपने घर आए, मौसी को प्रणाम किया, मौसी झिझकी, तो ध्रुव बोले मौसी झिझके मत, तेरे कारण मुझे भगवान मिल गए, तेने धक्का मारो मुझे भगवान मिल गए। 36,000 ध्रुव ने राज्य करो, 36,000 वर्ष तक हमारे यहाँ एक 12 मासी गाई जाती है 5:30, बेटा तू चिंता मत कर। तो याद रखना सज्जनों, बाग में, अरे बाग में हाथी, देखो एक बात और बता दूं, हमारे मां साहब ने कही बेटा नेक नेक कछु मोए, 12 मासी कबू कबू सुना दो कर, बल्कि मेरी कथा बिल्कुल अलग है, लेकिन इसलिए आप लोग सहज में समझ ले, इसलिए बिल्कुल सरल करके और आप ही की भाषा में मैं श्रवण कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बाग में हाथी रे डटो भूपते माली रे बतरायो, प्यारे और मेरो बेटा बन गयो भगत, ये बैरी घर न छोड़े पायो, अरे मेरो बेटा बोल भाई बहन ध्यान देना, याद रखना सज्जनों, आंखों में आंसू चल रहे थे, ध्रुव जी सामने खड़े हैं, पिताजी के चरणों में गिर गए, और धन्य तेरी लीला है रे न्यारी, और 5 बरस कोरे कुमार बन गयो कैसो तपधारी, इसलिए बड़ा सुंदर भाव, और श्री कृष्णा कृष्णा कहने में सियाराम राम कह दे, और तेरो कहा गांठ को जाए अरे जाए, सियाराम राम कहने में तेरो कहा गांठ को जाए, बेटे ने 36,000 वर्ष राज किया, उत्तम को यक्षों ने मारा, तो ध्रुव यक्षों को मारने गए, मनु ने रोका, और 36,000 वर्ष के बाद मौत आई, तो मौत पे पैर रखा, मृत्यु मूर्गनम पदम दत्वा आरुरोहा प्रतंक्रम, सजनों मौत को छूके और अपने ध्रुव लोक चला गया मैया को संग में लेके। ये ध्रुव की कथा है। अब इसका थोड़ा सा निष्कर्ष बता दूं, जीव उत्तान पाद है।
जीव की दो पत्नी सुमति और कुमति यानी सुनीति और सुरुचि। जब जब ये जीव कुमति की शरण में चला जाता है तो जीव अंधकार में प्रवेश करता है तो उसके जीवन में उत्तम आता है। उमाने ऊंचा तम माने अंधकार। और जीव जब सुमति की शरण में जाता है तो उसके जीवन में सज्जनों ध्रुव आता है जिसे कहते हैं सत्य, और सत्य नाम परमात्मा का है। और जो आदमी ध्रुव की शरण में चला गया, सुमति की शरण में चला गया, तो सज्जनों वो ध्रुव उस सत्य की जानकारी करा देता है, उस परमात्मा की जानकारी करा देता है। यही इस कथा का सार है। और ये तो रहा अध्यात्म, अब नैतिक सार। माताओं को चाहिए बचपन से अपने बेटों को भगवान का भक्त बनाए और दूसरे का सम्मान करना सिखाएं। यही इस कथा का निष्कर्ष है। कल यहाँ से आगे की कथाएं आप लोग श्रवण करेंगे, तो आइए हम लोग एक छोटा सा भजन बोले।